सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम इस पोर्टर को करने वाले हैं कंप्लीट। एंड इससे पहले यहाँ पे हमने जितना भी फेस ड्रॉ किया है इसके ऊपर फुली ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। लास्ट आप वीडियोस चेक कर सकते हो एंड आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक करो यहाँ पे। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फेस यहाँ पे ओके है, बिल्कुल रेडी है। सो नाउ आज हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं ओनली बैकग्राउंड एंड यहाँ पे जो फिनिशिंग पार्ट रहता है हेयर्स का वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, मतलब जो डिटेल वर्क यहाँ पे रहता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मीडियम और ले रहे हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करने के लिए हम कुछ और यूज़ करने वाले हैं, हम पेंसिल के साथ बैकग्राउंड यूज़ नहीं करने वाले, पेंसिल का यूज़ करेंगे बट माइनर सा। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल कैमल के यहाँ पे बैकग्राउंड को ड्रॉ करने के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा ये सेट है कैमल का। एंड यहाँ पे जो मेरे पास शेड है ये 48 शेड्स हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा शेड जो भी हमें रेफरेंस पिक्चर के हिसाब से शेड लेने हैं वो हम यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे। सो मैं आपको बॉक्स यहाँ पे ओपन करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से शेड हमें चाहिए। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको सेम मतलब हमें अगर शेड देना है तो जैसे कि देख सकते हो येलो सा आपको अपन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अगर रेफरेंस पिक्चर में देखें येलो सा एंड ब्लैक डार्क ब्राउन कलर, ये हम यहाँ पे कलर यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए लेने वाले हैं। तो सिलेक्ट कर लेते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे मैं शेड लेने वाला हूँ, फर्स्ट यहाँ पे ऑरेंज येलो मैंने उठाया है यहाँ पे एंड क्रोम येलो कलर लिया है। एंड ये दो कलर के साथ साथ मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ डीप येलो शेड जो कि हमें काम आने वाला है इसमें, वैसे ले लेते हैं, अगर यूज़ ना हुआ तो वो मैं आपको साथ साथ बताता ही रहूँगा। एंड ये तो हो गए हमारे ब्राइट कलर्स, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं डार्क के लिए। तो डार्क के लिए जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं फर्स्ट ये कलर ले रहा हूँ जिसमें है यहाँ पर डार्क ओक कलर, आई थिंक यही है डार्क ओक कलर है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया। एंड ज़्यादा डार्क के लिए हम यहाँ पे ब्लैक का भी शेड बीच में देंगे। सो ब्लैक के साथ साथ हल्का सा पेंसिल का भी यूज़ करेंगे अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है इसमें शेड देने में। सो वो बाकी हम करके देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे जो ब्राइट एरिया है उसको ही कवर करेंगे। सो ब्राइट एरिया कवर करने के लिए फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑरेंज येलो कलर का। तो ऑरेंज येलो कलर को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट। सो कैसे यूज़ करना है, काफ़ी सिंपल है एंड काफ़ी फास्ट प्रोसेस भी यही है अगर पेंसिल से मैं लगाऊं तो। सो पेंसिल से काफ़ी टाइम लग जाएगा पूरे बैकग्राउंड को ड्रॉ करने में। सो इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पे यूज़ के कर रहा हूँ ऑयल पेस्टल कलर, जिससे काफ़ी इजी और काफ़ी फास्ट हम एंड काफ़ी स्मूथ यहाँ पर बैकग्राउंड दे सकते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो शीट है वो एवरी शीट है, तो एवरी शीट स्मूथ शीट है, तो काफ़ी स्मूथ शीट हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सो यहाँ पर हमें यूज़ करना है जैसे हम सिंपली क्रेयॉन्स को यूज़ करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे इनको यूज़ करना है, ऑयल पेस्टल को यहाँ पे यूज़ करना है। सो जितना भी एरिया यहाँ पे येलो का है मैं उस एरिया को यहाँ पे पहले कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे। ओके सो यहाँ पे जो एरिया येलो वाला था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सो नाउ हम यहाँ पे अभी ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे। तो टिश्यू पेपर को अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है। सो यहाँ पर ये जो सिंपल टिश्यू पेपर है, एक्चुअली मेकअप वाले टिश्यू पेपर जो होते हैं बिल्कुल थिन से पतले से, वो टिश्यू पेपर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ओके सो इसको यूज़ करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ऑयल पेस्टल हम यहाँ पर यूज़ करें। अगर सॉफ्ट यूज़ करते लाइक जैसे यहाँ पे सॉफ्ट भी आते हैं, सॉफ्ट पेस्टल यहाँ पे कलर आते हैं जो कि काफ़ी इजीली हम उसे कर सकते हैं ब्लेंड, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो ही अच्छे से यहाँ पे मर्ज होंगे। एंड डिटेलिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेम कैमलिन पेंसिल का ही, कैमलिन ट्रायंगुलर कलर पेंसिल का ही यहाँ पे डिटेलिंग के लिए यूज़ करूँगा। मतलब कि जो एरियाज हेयर्स के साथ साथ यहाँ पे जो वाइट एरिया रह गया, वाइट पेपर छूट गया है, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं येलो पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ।
ओके सुनो, चलते हैं यहाँ पे डार्क एरियाज़ पर, जिसके लिए मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन का पहले यूज़ कर रहा हूँ। तो डार्क ब्राउन को पहले हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ ऑयल पेस्टल का, कैमलिन का। एक दो बार मैंने यहाँ पे काम किया बट मुझे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है। मतलब कि जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो यहाँ पे जो वाइट स्पॉट्स रह जाते हैं, मतलब कि अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता, मतलब कि मर्ज नहीं हो पाता, तो वाइट स्पॉट्स से दिखने लग जाते हैं। मतलब कि पेपर दिखाई देता है जितना मर्जी यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लो, और अगर हम ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर का यूज़ करते हैं तो पेपर भी यहाँ पे निकल जाता है, मतलब कि फट जाता है। सो मुझे यही थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई इन ऑयल पेस्टल को यूज़ करने में। सो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी जो है ब्राउन शेड का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ब्राउन शेड का यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी डार्क है जैसे कि आप देख ही सकते हो। एंड अगर मैं इसको टिश्यू पेपर से यहाँ पे ब्लेंड करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है। सो ये मुझे इन ऑयल पेस्टल में सही नहीं लगा, जैसे कि यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया ये ब्राउन शेड, जबकि इतना ज़्यादा यहाँ पर डार्क था, मतलब डार्कनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी इन कलर्स में। सो इसीलिए मैं यहाँ पे साथ साथ पेंसिल का यूज़ करूँगा, ब्राउन पेंसिल एंड ब्लैक पेंसिल का, एंड डार्क के लिए यहाँ पे ब्लैक ऑयल पेस्टल का भी यूज़ करेंगे, बट वो भी काफ़ी लाइट हो जाता है। अभी हम यहाँ पे करेंगे तो आप देखोगे। सो नाउ अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डार्क और कलर का, एंड इसकी हेल्प से यहाँ पे हम थोड़ा सा जो डार्क शेड है वो देंगे, मतलब कि जो आपको कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है येलो के बीच में। एक्चुअल में ये येलो कलर नहीं है, हल्का सा ऑरेंज सा येलो कलर है ये। सो यहाँ पर मैं डार्क और का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ये सेम हम शेड कुछ ऐसा ही शेड हम लेकर आ सकें स्मोकी सा। एंड यहाँ पर राइट साइड के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन शेड एंड ब्लैक शेड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि राइट साइड में जो है डार्क एरिया वो ज़्यादा है। सो यहाँ पर हमें मतलब पहले मैंने ब्राउन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, सो इसके बाद यहाँ पे ब्लैक भी करेंगे, क्योंकि ब्राउन तो काफ़ी लाइट हो रहा है। एंड साथ साथ हल्का सा पेंसिल का भी यूज़ करेंगे, ताकि हम यहाँ पर सेम ऐसा शेड कुछ दिखा सकें कि वो लाइट से डार्क होता हो, क्योंकि हल्का हल्का यहाँ पर येलो का शेड भी है। एक्चुअली में मैंने येलो यहाँ पर ज़्यादा रखा है, इसीलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि जो येलो का जो डार्कपन है वो मिक्स ना हो, एंड बैकग्राउंड जो हेयर है वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए मैंने येलो यहाँ पे पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। सो यही शेड्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। एंड अगर आप पेंसिल यूज़ करना चाहते हो इसके साथ साथ, तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो, मतलब बिना ऑयल पेस्टल के अगर आप पेंसिल यूज़ करना चाहते हो तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो बैकग्राउंड यहाँ पे हो गया, आपको थोड़ा सा इस तरफ लाइट दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में ये लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट रोशनी आ रही है, इसलिए जैसे ये थोड़ा सा शाइन करना है, बट एक्चुअली में ये डार्क है, जितने यहाँ पे हेयर डार्क हैं। एंड यहाँ पर मैं जो हेयर्स हैं उसमें यहाँ पे हल्का सा ब्राउन शेड दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि वाइट स्पॉट है वहाँ पर ब्राउन शेड दे रहा हूँ मैं हेयर्स के बीच में, क्योंकि ये पहले रह गया था, यहाँ पर हुआ नहीं था, जस्ट ओनली पहले हमने क्या किया था, ओनली ब्लैक शेड दे दिया था, बट यहाँ पे बीच में हल्का सा ब्राउन भी होगा। तो मैं यहाँ पे ब्राउन पेंसिल का यूज़ करके, जो डार्क ब्राउन हमने यूज़ की थी बाकी फेस में भी यूज़ की थी, वही पेंसिल का यूज़ करके मैं यहाँ पे प्रेशर का यूज़ करके वो वाइट स्पॉट कम कर रहा हूँ,
एंड जो कि हल्का सा ब्राउनिश यहाँ पे हेयर दिखेंगे, बट एक्चुअल में आपको वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे कि ये ब्राउन है, ब्लैक ही नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये शेड आपस में मिक्स हो रहा है। ओके सो नाउ यहाँ पे जो हेयर्स हैं वो यहाँ पे शाइन लुक देने के लिए मैं यहाँ पे वाइट जो है चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ब्रूस्टो की ही है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी हमें हल्का यहाँ पे प्रेशर भी यूज़ होगा, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा वाइट ये नहीं हो रहा, जितना भी हो रहा है हम यहाँ पे करेंगे हल्का हल्का यहाँ पे वाइट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो हेयर बार की तरफ दिख रहे हैं बिखरे हुए, वो हमें दिखाने हैं। एंड यहाँ पे इस साइड हल्के हल्के ब्लैक हेयर्स भी आएंगे, तो यहाँ पर मैं ब्लैक हेयर्स भी करूँगा क्योंकि यहाँ पे अभी ब्लैक का काम रहता है, हेयर्स जो फ्लीक्स आ रही हैं हेयर्स की राइट साइड पे, सो वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो वाइट चारकोल का यूज़ है वो ब्लैक हेयर्स के ऊपर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हमें ब्लैक हेयर के ऊपर भी यहाँ पे हमें दिखाना है। तो ये जस्ट ओनली ये जो डार्क मतलब हमने ऑयल पेस्टल का यूज़ किया था राइट साइड वहीं पर शो हो रहा था, बट यहाँ पे ब्राइट साइड बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा, ना यहाँ पे हेयर्स पे ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। सो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके हम दूसरी पेंसिल का यूज़ करेंगे, जो कि है यहाँ पे मेरे पास अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल। सो अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल मतलब काफ़ी हेल्प की है मुझे इस तरह से हेयर ड्रॉ करने में, काफ़ी ज़्यादा उसमें वाइटपन दिख जाता है ग्लास मार्किंग। जस्ट ओनली 5 रुपीज़ की वो पेंसिल है, इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियो भी अपलोड किया, आप जरूर जाकर चेक कर सकते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए पेंसिल अगर आपको डिटेल वर्क में जाना है, हेयर्स के डिटेल वर्क में जाना है।
सो यू कैन सी यहाँ पर डार्क के लिए एंड मतलब डार्क एरियाज़ पे एंड यहाँ पे लाइट एरियाज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे पेंसिल काफ़ी हमें बारीक बारीक से वाइट वाइट से हेयर दिख रहे हैं, मतलब कि हमें वाइट नहीं दिखाने, जस्ट ओनली यहाँ पे शाइन कर रहा है, उसी वजह से यहाँ पे जो हेयर है ये हमें वाइट लुक देना है ताकि ये हमारा जो ड्राइंग है ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो फुली यहाँ पे जितने भी हेयर्स हैं उसके ऊपर हल्का हल्का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस पेंसिल का। ओके सो ओवरऑल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उस पर मुझे जहाँ लगा था मुझे चेंज करना है या और ज़्यादा कलर करना है वो मैंने यहाँ पे किया है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं पेपर को आपको अच्छे से कट करके दिखाता हूँ कि हमारा ये ड्राइंग कैसी लग रही है एंड देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल ये रिज़ल्ट आया है। अगर हम कंपेरिजन करें जो रेफरेंस पिक्चर है, रेफरेंस पिक्चर से काफ़ी ज़्यादा ये मतलब डार्क लग रही है। रेफरेंस पिक्चर तो काफ़ी लाइट थी बट मैंने इसे हल्का सा डार्क रखा है ताकि मैं रेफरेंस पिक्चर से थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना सकूं। बाकी आप कमेंट करके बताना कि यहाँ पे ये पोर्ट्रेट कैसा बना है। एंड इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे टूल्स किए, मतलब कि कैमलिन ट्रायंगुलर कलर पेंसिल हमने यहाँ पे यूज़ किए, काफ़ी चीप पेंसिल है एंड काफ़ी कम शेड्स में हमने यहाँ पे इस पोर्ट्रेट को कम्प्लीट किया है। सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल एंड आपको ये जो पिक्चर है, ड्राइंग है, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।